यूरोप महाद्वीप। यूरोप, इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें जाननी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठा महाद्वीप है। यूरोप के उत्तर में बेरेंट सागर, यूरोप के उत्तर में बेरेंट सागर दक्षिण में भूमध्य सागर उत्तर में बेरेंट सागर दक्षिण में भूमध्य सागर पश्चिम में अटलांटिक महासागर पूर्व में यूराल काकेशस पर्वत तथा कैस्पियन सागर इसे एशिया से अलग करते। अब यहां का सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रुस, निम्नतम सबसे निचला जो बिंदु है वो है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। सबसे लंबी नदी वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। विश्व का सबसे उत्तर में स्थित शहर हैमरफास्ट, नॉर्वे। याद रखना विश्व का है, विश्व का सबसे उत्तर में स्थित शहर हैमरफास्ट, ये कहाँ है? नॉर्वे, नॉर्वे। ठीक है, ये बेसिक चीजें इसमें हैं जो आपको याद रखनी है। एक और चीज लिख लीजिए, फ्योर्ड, तटों का देश किसे कहा जाता है? फ्योर्ड, तटों का देश नॉर्वे को। तो इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख भौगोलिक लक्षण क्या है? अल्पाइन पर्वत तंत्र। सबसे प्रमुख भौगोलिक लक्षण अल्पाइन पर्वत तंत्र। अब स्कैंडिनेविया में इसके कौन कौन से भाग शामिल हैं? देख लीजिए, स्कैंडिनेविया डैश देकर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। और आइबेरिया में क्या क्या है? आइबेरिया में शामिल है इसके स्पेन एवं पुर्तगाल। ये क्या है? एरिया के नाम है पूरे पूरे आपके समझने के लिए, ये समझिए। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या बताई जाए इसके बारे में? हाँ, इसमें आगे याद रखो कि वोल्गा एवं यूराल नदियां, वोल्गा एवं यूराल नदियां ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं, ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज, पो नदी का नाम है ये, पो। हाँ जी, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। डेन्यूब नदी, ये चार शहरों से निकलती है, कौन कौन से यूरोप के? बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना। बुखारेस्ट, बेलग्रेड, वियना, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, वियना और बुडापेस्ट, इन चार नगरों से निकलती हुई डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? काला सागर में। लंबार्डी का मैदान,
लंबार्डी का मैदान इटली के उत्तरी भाग में है जो अत्यधिक उपजाऊ है। इटली के उत्तरी भाग में है जो अत्यधिक उपजाऊ है। इसलिए एक चीज और लिखिए कि नीदरलैंड में समुद्रों के किनारे की भूमि को सुखाकर कृषि योग्य भूमि बना लिया गया है जिसे पोल्डर भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्डर, जिसे पोल्डर भूमि कहा जाता है। आगे देखिए कि आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा शक्ति का प्रमुख केंद्र है। आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा शक्ति का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट, हंगरी में यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को पुस्टाज, शीतोष्ण घास के मैदान को पुस्टाज तथा यूक्रेन में स्टेपी कहा जाता है। यूरोप में विश्व का 60% चुकंदर पैदा होता है। लिख लीजिए, यूरोप में विश्व का 60% चुकंदर पैदा होता है। तुरिन जगह का नाम है, तुरिन को इटली का डेट्रॉइट कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तथा मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन को ये भी लिखें, कोपनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। यहां तक कोई प्रश्न कुछ पूछना हो, जानना हो? आगे चलिए। फ्रांस यूरोप का दूसरा बड़ा लोहा उत्पादक क्षेत्र है। जहां लारेन लोहे की खान विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखिए, यूक्रेन का डोनस्टस्क, मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूराल क्षेत्र का चिलियाविंस्क लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान नहीं रखना, दूसरा बड़ा वो नाम पूछेगा कि ये जगह किस लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लैंड में लंकाशायर सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। पोलैंड व जर्मनी के बीच की रेखा को
पोलैंड व जर्मनी के बीच की रेखा को हिंडरबर्ग रेखा या ओडर लिसे या ओडर निसे, ओडर निसे रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य रेखा को मैगिनेट रेखा कहा जाता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनेट रेखा कहा जाता है। यहां तक क्लियर? अब याद रखिए, सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड व ग्रेट ब्रिटेन के बीच स्थित है। आयरलैंड व ग्रेट ब्रिटेन के बीच स्थित है। उत्तरी सागर में विश्व प्रसिद्ध मछली पकड़ने का केंद्र, उत्तरी सागर में विश्व प्रसिद्ध मछली पकड़ने का केंद्र डागर बैंक है। डागर बैंक है। एंटवर्प ये कहाँ है? ब्रैकेट में लिखते ना, बेल्जियम। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है। सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है। अब इसे मिटा लें, अभी कुछ चीजें और बतानी है आपको। कुछ चीजें और हैं यूरोप में, वो भी कंक्लूड ही कीजिए। छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, हम छोड़ दें लिखाने से वो पेपर में आ जाए, क्या पता। पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। जर्मनी का रूर क्षेत्र, यूरोप में कोयला उत्पादन में अग्रणीय क्षेत्र है। फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्रों में टुलूज विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टुलूज किस लिए प्रसिद्ध है? विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस किसानों का देश है जो खाद्यान्न उत्पादन पर निर्भर है। आत्मनिर्भर है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी, कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। आयरिश गणराज्य को एमरोल्ड द्वीप कहा जाता है। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश, फैशन नगरी इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो यहां पर आज आपको रोक रहे हैं। तीन आपने महाद्वीपों को कंप्लीट किया है, जो बचे हैं चार वो कल आपके कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, मुलाकात होगी आपसे कल दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।